गाइस, अभी बाबू सर टॉप से नीचे उतर गए हम लोग और आपको मैं असल में व्यू करवाना चाह रहा हूँ कटोरा लेक, इसको कहते हैं क्योंकि ये कटोरे की तरह। तो ये देखें, सामने आपको नज़र आ रहा है छोटा सा कटोरा लेक और बिल्कुल छोटी सी है लेकिन व्यू बहुत मज़े का है और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है। बादल आ गए हैं, हल्की हल्की फार पड़ी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो व्यू चेक करें आप, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे उतरते जाएंगे। ठंड है यहाँ पे काफ़ी लेकिन क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहनी हुई हैं इतना फील नहीं हो रहा। तो जब आप आए तो एक ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, साथ में कटोरे के साथ अपनी भी तस्वीर लें। तो चलें ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी तो आपको ऊपर से दिखाया, करीब जाके भी कटोरे को दिखाएंगे, कटोरा लेक। जी, बाबू और सर टॉप से हम नीचे की तरफ थोड़ा आए हैं। इधर से व्यू बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ये छोटे छोटे जो आपको हट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ घर हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कुछ होटल्स वगैरह हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे सामने ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, अंडे बेच रहा है। तो अंडा तो मुझे खाना नहीं है अभी फिलहाल। चलें आगे चलते हैं। अभी मैं इस वक्त चलास पहुंच चुका हूं और काफ़ी गर्मी है इधर, और पीछे व्यू देखें बहुत मज़े का आ रहा है और देख लें, लेकिन गर्मी बहुत है। और मेरे साथ मेरे दोस्त, कुछ भाई जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपना शॉट ले रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी व्लॉग बनाता हूँ। अब चलास पहुंच चुके हैं, पहले प्लान था कि चलास में स्टे करें लेकिन क्योंकि दिन ज़्यादा है तो इसलिए सोचा कि आगे तक निकलते हैं और आगे जाके क्यों ना गिलगित या पूंछ तक स्टे करें। अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है और इसलिए आप लोग को भी आई होप के मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियोस देख के। स्टेप बाई स्टेप एपिसोड्स वगैरह आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आगे फिर जो कोई स्टॉप आएगा या कोई प्लेस आएगी तो मैं ज़रूर आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कीप वॉचिंग एंड कमेंट्स ऑल्सो, लाइक करें, शेयर करें और आपके सपोर्ट, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं बीच में चलास के रास्ते में स्टे किया, इस जगह का नाम तत्तापानी। जी, तत्तापानी में स्टॉप किया, चाय शाय पियेंगे इनके साथ। ये होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है जकरबाद होटल का नाम है। और अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जगह जो है मोहम्मदी डैम ना, क्या नाम है इसका? बादशाह डैम। जी, बादशाह डैम जो आप लोग देखते हैं अक्सर एड्स में भी, कि बादशाह डैम के लिए जो आप लोग ने हमारे पाकिस्तान ने जो सपोर्ट किया, जो मतलब फ़ंड वगैरह दिया, जो कुछ भी दिया, बादशाह डैम इस जगह पे, मतलब ये पूरा एरिया बादशाह डैम का है। जब वो डैम बन जाएगा तो ये इससे ये जो पानी जो अभी नीचे नज़र आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा और ये जगह जो होटल है इन भाई का ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस गवर्नमेंट ने कुछ कहा आपको, इसके बदले कुछ देंगे कि नहीं?
पैसा तो ये तो हमारा जगह नहीं है, और बंदा है गिलगित का। अच्छा, उनको ये पैसा होटल का नाम दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको पैसे दे चुके हो? हाँ, गवर्नमेंट ने ये नहीं कि इनका अगर रेस्टोरेंट होटल ख़त्म हो जाए तो, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया है तो इसलिए जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको व्यू भी करा देता हूँ इसका, ये देखो कितना ज़बरदस्त जा रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टे किया चाय के लिए, चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। थैंक यू जी। दोस्तों रात हो चुकी है और इस वक्त हम गिलगित क्रॉस कर रहे हैं। अब आपको गिलगित का मंज़र तो दिखा नहीं सकता, लेकिन ये है कि अब हुंजा पहुंच के जो है हम स्टे करेंगे और सुबह फिर आपको नए एपिसोड के साथ व्लॉग दिखाऊंगा। जब तक आप म्यूज़िक का मज़ा लें और रात की ड्राइविंग हमारी चेक करें।